मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता जा रहा कहर, 154 पहुंचे मरीजों की संख्या के लिए इंदौर में 115 पीड़ित, सभी का इलाज जारी। कोरोना से छिंदवाड़ा में पहली बार प्रदेश की 9वीं मौत, 33 साल के युवक ने तोड़ा दम, पिता की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या हुई 3100 के पार, अब तक 85 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, करीब 200 ठीक होकर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर भूपेश सरकार अलर्ट, अब तक कुल 9 पॉजिटिव केस आए सामने, 3 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र ने खोला खजाना, राज्यों को जारी किए 11,092 करोड़ टेस्टिंग किट समेत कई उपकरण खरीदने के लिए मिली है मदद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री भी थे प्रधानमंत्री सेम्बा। उत्तराखंड में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 10, उधम सिंह नगर जिले के 3 जमाती है संक्रमित, अलर्ट मोड में त्रिवेंद्र रावत सरकार। पीएम मोदी के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सब ने रात 8 बजे प्रदेश की जनता को करेंगे संबोधित, कोरोना को लेकर लोगों से करेंगे बात, वायरस से निपटने की लगातार की जा रही कोशिश। अब देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप, रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 155 तक पहुंच गई है, मुरैना में 10, भोपाल में 6 और इंदौर में 23 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश और मुरैना जिला इंदौर के बाद दूसरा हॉटस्पॉट बन गया है, शहर में 10 कोरोना पॉजिटिव और पाए गए हैं, इस तरह यहां संक्रमितों की कुल संख्या 12 हो गई है और इनके संपर्क में आए 11 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं भोपाल में 6 और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें 4 जमाती के साथ ही एक पुलिसकर्मी और एक 19 साल का युवक भी शामिल है। और वहीं बात करें इंदौर की तो इंदौर में आंकड़ा बढ़कर अब 115 हो गया है। तो इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित सामने आए हैं, आपको बता दें कि आंकड़ा अब 115 पर पहुंच गया है, 3 नए केस सामने आए हैं और वहीं जबलपुर में 8 कोरोना पीड़ितों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि जबलपुर में कुछ लोग ठीक भी हुए थे और जबलपुर के लिए एक राहत भरी खबर मानी जा रही थी, पर जिस तरह से इंदौर में आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। तो हमारे साथ में संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं वैभव शिव पांडे, तो वहीं इंदौर से विकास और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास आपके पास आऊंगी, मध्य प्रदेश के लिए बात करें तो इंदौर कहीं ना कहीं मुसीबत बनता जा रहा है, जो आंकड़े हैं कोरोना पॉजिटिव के वो बढ़ते ही जा रहे हैं, अब 3 नए मामले और सामने आए, उनको लेकर ज्यादा जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है? मेरी आवाज जी बोलिए, विकास मेरी आवाज पहुंच पा रही है आपको? चलिए विकास से संपर्क हो नहीं पा रहा है और वैभव से बात करेंगे। वैभव, छत्तीसगढ़ के लिए अभी तक तो राहत मानी जा रही थी, ज्यादा आंकड़े वहां पर सामने नहीं आए थे कोरोना पॉजिटिव के, अभी ताजा हालात क्या है? देखिए छत्तीसगढ़ में राहत की ही बात है और जो चौथा मरीज था, मतलब 4 मरीज अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, ये सबसे अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि कुल 9 जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे उनमें से 4 लोग अभी तक घर जा चुके हैं, 5 का इलाज चल रहा है जिसमें राजधानी रायपुर के 3 मरीज हैं, एक कोरबा और एक राजनांदगांव से हैं।
जिनका इलाज चल रहा है, और जो एम्स के डॉक्टर हैं उनका यही कहना है कि वो सब भी जो है काफी बेहतर है पहले से, और जल्द से जल्द उनको छुट्टी दी जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल किसी तरह की भयावह स्थिति नहीं है, हाहाकार वाली स्थिति नहीं है, संकट बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस को लेकर के नहीं है। ये जरूर है कि अभी करीब जो है 170 और ऐसे सैंपल हैं जिसके रिपोर्ट आनी बाकी है, वो रिपोर्ट जब आए तब पता चल पाएगा कि उसमें से जो है निगेटिव की संख्या कितनी है। तो ये रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जब रिपोर्ट आ जाएगी तब वास्तविक आंकड़े और सामने आ पाएंगे। लेकिन ये इतनी बात तो जरूर है कि छत्तीसगढ़ में देश के अन्य राज्यों में जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं वैसे हालात छत्तीसगढ़ में नहीं है। समय रहते पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने काफी जो है सख्त कदम उठाए और उसका लाभ जरूर मिला है। जैसे कि देश में 24 मार्च की रात से जो है लॉकडाउन किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में शुरुआत जो है वो 19 मार्च से ही दिखाई देने लग गए थे। यानी कि 19 मार्च को ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसको कि बंद किए गए, अंतर्राज्यीय सीमाओं को जो है सील करना शुरू किया गया, जो यातायात है उसको जो है रोक दिया गया। इसके चलते छत्तीसगढ़ में हालात बेकाबू नहीं हुए और बहुत जो है कम मरीज अभी तक सामने आए हैं, और उनमें से भी अब लगभग मरीज जो है ठीक होकर के वापस लौट रहे हैं। जी वैभव, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। ग्वालियर से हमारे साथ में विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, ग्वालियर संभल के क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं अभी? आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? जी, ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें, चूंकि मैं विनोद बोल रहा हूँ, जी विनोद बोल रहा हूँ, और ग्वालियर चंबल की हम बात करें तो अभी तक बहुत कुछ ठीक था, क्योंकि ग्वालियर में जिस तरह से एक कोरोना पॉजिटिव सामने आया था अभिषेक मिश्रा, और उसके कुछ दिनों बाद उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, उससे काफी राहत मिली थी, और उसके जो परिजन थे उनकी भी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। एक बीएसएफ का जरूर सूबेदार कोरोना पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके परिवार की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। तो ग्वालियर और ग्वालियर चंबल संभाग में काफी राहत भरा माहौल था, कहीं कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही अचानक मुरैना से एक जो दुबई से वापस आया था और वो पॉजिटिव निकलता, उसकी पत्नी पॉजिटिव निकलती है, तो लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है, और हुआ भी वो कि जिसकी आशंका थी, मुरैना में अब 12 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। जब दरअसल ये हुआ था कि जब दुबई से लौटकर आया था सुरेश रजक, और उसने आकर ये कहा था कि वो बाहर से आया, उसने प्रशासन को इस बात की जानकारी भी दी थी, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में कोई ज्यादा गंभीरता उस समय नहीं ली, उसको होम आइसोलेट नहीं किया गया, केवल कह दिया था कि अगर कोई आपको परेशानी है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद उसके घर में एक तिरवी का आयोजन किया गया था, वो तिरवी का आयोजन 20 तारीख को उसका हुआ था, 17 तारीख को वो दुबई से लौट कर आया था। उसमें सवलगढ़ यानी मुरैना जिले के सवलगढ़ और आसपास के जो इलाके के जो उसके समाज के लोग हैं वो उसमें शिरकत करते हैं बड़ी संख्या में, करीबन 1000 से ज्यादा आदमी उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद जब इसको सिम्टम्स होते हैं और जांच आती है तो उस समय प्रशासन के हाथ पर खुल जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि कौन कहां से आया था तिरवी में, तो पता चलता है कि सवलगढ़ के कुछ उनके रिश्तेदार थे, जो 10 लोग वहां से पॉजिटिव मिलते हैं। अब स्थिति यह है कि मुरैना में टोटल कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो केवल प्रशासन के द्वारा या ऑनलाइन लोगों के पास पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा सवलगढ़ जो इलाका है, सवलगढ़ में भी पूरी तरीके से लॉकडाउन रखा है, किसी को भी बाहर जाने की अंदर आने की जब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उस तेरवी में बड़ी संख्या में और लोग भी आए थे, अब वो लोग कहाँ कहाँ रहे, किस किस से उनने इस दौरान मुलाकात की, उनके और कौन कौन से, तो उनकी बैक हिस्ट्री उनकी पता लगाई जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ गए, कैसे गए, बाजारों में किन किन के यहाँ वो गए। इतने दिनों के बीच में कोई 20 तारीख से लेकर आज 4 तारीख है, तो इस दौरान तकरीबन मान के चलते हैं कम से कम 15 दिन हो गए। 15 दिन के बीच में ये लोग कहीं ना कहीं लोगों के पास गए होंगे, अपने फैमिली के पास गए होंगे, परिवार के पास गए होंगे, और अन्य दोस्त यारों से भी मुलाकात की गई होगी। अगर वो इनके संपर्क में आए होंगे और अगर वो किसी न किसी संक्रमण हो जाते हैं तो ये मुरैना के लिए अच्छी खबर कतई नहीं है, और एक बड़े हालात वहां बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें अचानक 10 लोगों का इजाफा होना, ये बहुत बड़ी बात हुई। इससे पूरे चंबल अंचल के लोग एक तरह से काफी डरे हुए हैं। लोग अब इनका यही कहना है कि जो लोग घरों में हैं वो घरों में रहें। ग्वालियर की स्थिति यह है कि ग्वालियर में सभी जो आने वाले जितने भी प्रवेश मार्ग हैं
सीमाएं सील कर दी गई हैं, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, उसके पास या तो प्रशासनिक पास होना चाहिए या फिर एम्बुलेंस या बहुत जरूरी काम है उनको अंदर आने दिया जा रहा है। यहाँ पे जिला अस्पताल से लेकर जयरो अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखे हैं। इसके अलावा प्रशासन ने पूरी तरह से लॉकडाउन करके रखा है, टोटल लॉकडाउन 4 तारीख तक का टोटल लॉकडाउन, यानी आज जो प्रशासनिक आदेश के अनुसार आज टोटल लॉकडाउन का आखिरी दिन है, हो सकता है इसको और बढ़ा दिया जाए। इसके दौरान ना तो बाजारों में सब्जी ही के ठेले लग रहे हैं, ना राशन की दुकानें खुल रही है, प्रशासन ने होम डिलीवरी शुरू कर दी है। ये इसलिए किया गया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुरैना और ग्वालियर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, महज 30 किलोमीटर का फर्क है, और जो उसकी सीमाओं में तो केवल 5 से 7 किलोमीटर का फर्क है, क्योंकि बामौर और जो पुरानी छावनी है वो काफी एक दूसरे से सटी लगी हुई है। अगर ऐसे में कोई कोरोना पॉजिटिव ग्वालियर में दाखिल हो जाता है और वो यहाँ ग्वालियर आ जाता है तो ग्वालियर के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि ग्वालियर एक बड़ा महानगर है, यहाँ की आबादी ज्यादा है। मुरैना जो शहर है वो इतना बड़ा नहीं है, वहां पर जो लोगों पे तत्काल लगाम लगाई जा सकती है, वहां लोगों की बाहर निकलने पर लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन अगर ग्वालियर के हालात खराब हो गए तो बड़ा गंभीर स्थिति हो सकती है। यही कारण है कि प्रशासन बड़ा सतर्क है, किसी भी बाहर के व्यक्ति को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है और ना ही किसी को मुरैना या आसपास के जिलों में जाने की इजाजत है। तो ग्वालियर अभी फिलहाल कह सकते हैं कि अभी और जो रिपोर्टें आ रही हैं उनसे पता लगेगा, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई थी 19 वो टोटल निगेटिव सामने आई थी, और अभी आज भी बड़ी रिपोर्टें आनी हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ग्वालियर में तो कहीं मुरैना का कोई व्यक्ति नहीं आया या मुरैना कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार या परिवार में नहीं गया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुरैना की तरफ सबकी नजर है और यही हम कामना करेंगे ईश्वर से कि अब और कोई पॉजिटिव मुरैना में ना निकले, अन्यथा एक बड़ा मामला सामने आ सकता है। जी विनोद, प्रशासन तो यहाँ पर सतर्क है ही, पर कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में, इंदौर से विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, इंदौर की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है। अभी भी आंकड़े और ज्यादा बढ़ गए हैं, 3 केस और निकलकर सामने आए कोरोना पॉजिटिव के, उनको लेकर क्या कुछ डिटेल मिल पा रही है? विकास की आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? विकास से संपर्क हो नहीं पा रहा है। एक बार फिर से रायपुर का रुख करेंगे, वैभव के पास चलेंगे। वैभव, तबलीगी जमात में जो लोग गए थे उनमें कहीं रायपुर के भी लोग निकलकर सामने आए थे जिनको आइसोलेट किया गया था, उनको लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, करीब जो है 160 लोगों को आइसोलेट किया गया है और पूरी निगरानी में है वो स्वास्थ्य विभाग के। फिलहाल उनकी जो है सैंपल अभी नहीं आए हैं, रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी लोग उसमें शामिल हुए थे वो सभी लोग इस वक्त जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, करीब 160 लोगों की पहचान हुई है, उन सबका जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें कि रायपुर में कुछ लोग हैं, कुछ लोग भिलाई में हैं, कुछ बस्तर के भीतर में है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर के इलाके में जो है लोग मिले हुए हैं, बिलासपुर, अंबिकापुर में लोग मिले हैं, कोरबा में लोग मिले हैं। तो ऐसे जो तबलीगी जमात में जो वहां पे ठहरे हुए थे, मरकज में जो लोग ठहरे हुए थे, वो लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे जो कि छत्तीसगढ़ से बाहर के भी हैं, यानी कि वो छत्तीसगढ़ में के तो है कुछ लोग, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे राज्यों के लोग हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से तबलीगी जमात से निकले हुए तकरीबन
650 लोग संक्रमित मिले हैं, तो उसे लेकर के एक चिंता तो जरूर बनी हुई है छत्तीसगढ़ के भीतर में। लेकिन सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोग जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन से आए हैं उनको लेकर के विशेष सावधानी बरतनी है, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं करनी है, उसमें किसी तरीके से कोई भी जो है ढिलाई नहीं देनी है। जो तमाम जो छत्तीसगढ़ के जो मस्जिद हैं उन लोगों को भी सूचित किया गया है कि ऐसे लोग कहीं आपके यहाँ ठहरे हुए हैं तो उसकी जानकारी आप मुहैया कराइए। भिलाई में तो नोटिस जारी किया गया था कुछ मस्जिद प्रबंधनों को और उनसे जो है डेटा मंगाए गए थे, जिसके बाद कुछ लोगों की पहचान भी हुई है। तो न सिर्फ जो है उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है बल्कि उनके संपर्क में जो लोग हैं उनके परिवार के लोग हैं उन्हें भी सख्त हिदायत है कि वो अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। तो इस मसले को लेकर के तो विशेष तौर पर सावधानी छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव केस की संख्या जो है वो बढ़ नहीं रही है बल्कि घटते जा रही है। यानी कि 9 का आंकड़ा जो है 5 पे पहुंच चुका है और 4 लोग जो है डिस्चार्ज होके घर जा चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में हालात पूरी तरह से काबू में है। यहाँ की सरकार ने काफी जो है सख्त कदम उठाए, बहुत जो है सावधानी बरती, लोगों की समस्याओं का सही समय पे निवारण हुआ। ये तमाम ऐसे जो है कदम उठाए गए जिसके चलते छत्तीसगढ़ में आज स्थिति जो है अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है और इसकी तारीफ खुद जो है केंद्र सरकार भी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तारीफ की गई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो है तारीफ की, प्रधानमंत्री ने खुद तारीफ की, बल्कि कुछ अन्य राज्य के लोग भी जो है छत्तीसगढ़ से संपर्क कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे अपने राज्यों में हालात को काबू रखा जा सके। देखिए अगर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य का, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पॉजिटिव केस आया, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में केस आया और वहां पे जब केस आने शुरू हुए तो एक के बाद एक संख्या वहां पे बढ़ती गई और इंदौर का हालात तो आप बता ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में केस नहीं आए हैं तो अब हमने ढिलाई बरतनी शुरू कर दी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी जो है लॉकडाउन का पूरी तरीके से जो है पालन किया जा रहा है और सरकार ने यह भी तय किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है अभी खत्म नहीं करना है, वो सामाजिक दूरी को बनाए रखना है और ऐसे जगह जहां पे काफी भीड़ भाड़ होते हैं उन जगहों पे भी जो है लॉकडाउन के बाद विशेष सावधानी बरती जाएगी। जो लॉकडाउन का जो अवधि है वो अगर 14 अप्रैल को खत्म हो तो उसके बाद भी विशेष सावधानी बरतेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं कि संख्या सारे मरीज चाहे डिस्चार्ज होके घर चले जाए उसके बावजूद भी सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि कई जगहों पे ये भी देखने को मिला है कि जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है वो बाद में फिर से जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, तो लिहाजा सरकार इन सारी चीजों को देखते हुए विशेष सावधानी बरत रही है। जी मैं लौटूंगी आपके पास में, पर इंदौर से हमारे साथ में विकास एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विकास, 3 नए मरीज और सामने आए हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात की जाए तो लगातार ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर बात की जाए शुक्रवार शाम को जो बुलेटिन जारी किया गया था उसमें 16 मरीज पाए गए थे, वहीं सुबह आज जो बुलेटिन जारी किया गया उसमें 3 और मरीज पाए गए, जिसके साथ ही इंदौर के अंदर टोटल आंकड़ा 115 के ऊपर पहुंच गया। कहीं ना कहीं लगातार इंदौर के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन भी सख्त में है और यही कारण है कि प्रशासन ने 2000 लोगों को स्पेशल वार्ड में भर्ती कर रखा है। वहीं अगर बात की जाए जो डॉक्टर या नर्सेस है, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो लोग घर घरों में जाकर जो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है उनको लेकर भी हम उनके निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो अपने घरों में नहीं जाएंगे, उनके लिए इंदौर की होटलों में रुकने की व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए तो कल प्रशासन ने 11 ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया था जिसके अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज 4 पाए गए। अगर बात की जाए उन क्षेत्रों की तो खजराना, चंदन नगर, रानीपुरा, हाथीपाला और वहीं अगर बात करें सुखलिया, ये क्षेत्र है जिनके अंदर नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो वहां अर्धसैनिक बल की टुकड़ी लगा दी गई है, वहां पर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार इन क्षेत्रों में जाकर घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहा है, यही कारण है कि 2000 लोगों को आइसोलेशन वार्ड के अंदर अभी भर्ती किया गया और लगातार जो है इंदौर शहर के अंदर जो कोरोना वायरस है उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन जो है सख्ती बरत रहा है, पुलिस प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले। और जो टोटल लॉकडाउन है उसको लेकर अगर इंदौर के अंदर सबसे पहले शुरुआत की गई थी और
उसका पालन भी लगातार करवाया जा रहा है। अगर इन क्षेत्रों की बात करें, उसके अलावा इंदौर के अन्य क्षेत्रों से नहीं मिल रहे, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव कोरोना के पाए गए थे उनके परिजन या उनके आसपास रहने वाले लोग ही जो है वो कोरोना पॉजिटिव लगातार मिल रहे हैं। तो प्रशासन लगातार उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहा है जिन क्षेत्रों के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में स्कैनिंग भी की जा रही है, सैनिटाइजर के माध्यम से अगर बात की जाए तो उन क्षेत्रों के अंदर सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जा रहा है। वही लोगों को जिस तरह से टोटल लॉकडाउन के अंदर किराना की दुकानें बंद है, इसको लेकर नगर निगम ने एक पहल शुरू की और निगम की जो कद्दूवट्टू ढोर कचरा वाहन है वह लगातार अब अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा और जो किराने की एक लिस्ट तैयार नगर निगम ने की उस लिस्ट को भरकर लोग देंगे और जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी है वह लोगों तक कहीं ना कहीं जो राशन है, जो उनकी जरूरत का सामान है वह पहुंचाने में मदद करेंगे। वही कई सामाजिक संगठन भी इंदौर के अंदर आए हैं, जिस तरह से टोटल लॉकडाउन है, लोगों को किराने का सामान नहीं मिल रहा है। अगर बात करें तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी के साथ साथ इंदौर को एजुकेशन हब भी कहा जाता है, यही कारण है कि कई राज्यों से और कई क्षेत्रों से इंदौर के अंदर जो छात्र हैं वह यहाँ पर रहते हैं तो उनको खाने की काफी दिक्कत आ रही थी। इसी को लेकर प्रशासन के साथ मिलकर कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं और जो छात्रों के जो अगर बात करें जो अन्य राज्यों के या जो दूसरे क्षेत्रों के छात्र हैं उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रशासन और सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। वही अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि हम इस चेन को ढूंढने में लगे हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों में और इजाफा होगा, लेकिन हम उस चेन तक पहुंच चुके हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हुए उनके जो परिजन है हम लगातार उनके पास आ रहे हैं। यही कारण है कि 2000 से ज्यादा लोगों को अगर बात करें गार्डनों में क्षेत्रों में ग्राउंड में 2000 से ज्यादा लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, उनके सैंपल लेना अभी बाकी है। वहीं अगर बात की जाए तो कई क्षेत्रों से लोग जो है पलायन कर रहे थे, अगर बात करें गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र अन्य क्षेत्रों से जो है पलायन जो मजदूर वर्ग कर रहा था उसको लेकर भी इंदौर प्रशासन ने काफी एक जरूरी पहल की है। इंदौर की जो राधा स्वामी ग्राउंड है वहां पर सैकड़ों लोगों की खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की गई है, उनके लिए डॉक्टरों की टीम भी वहां मौजूद है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो कोरोना वायरस को लेकर इंदौर प्रशासन है लगातार लड़ रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। जी विकास साहब बने रहिएगा, विनोद भी ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद, जब लॉकडाउन किया गया था कई सारे सवाल खड़े हुए थे, कई सारी दिक्कतें भी सामने आई थी और सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए मानी जा रही थी जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। शासन प्रशासन की तरफ से तमाम सारे इंतजाम तो किए गए हैं, क्या वो पर्याप्त साबित हो रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से लॉकडाउन के बीच में शासन प्रशासन के जो अपने साधन हैं उसमें तो लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है और महिला बाल विकास के अधिकारियों की इसकी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ग्वालियर में एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि जो समाज सेवी संस्थान है, स्वयंसेवी संस्थान है, युवा वर्ग है, राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, ये शहरों की सड़कों पर आते हैं और गाड़ी में रखकर भोजन के पैकेट्स लेकर आते हैं और जो जरूरतमंद हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, उनको खाने की व्यवस्था करते हैं। उनकी लिस्ट तैयार की गई है, सुबह और शाम उनको भोजन के पैकेट मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा भी जिन इलाकों में मजदूर वर्ग रहते हैं वहां चिन्हित कर लिए गए हैं और वहां पर खाने पीने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन कल हमारी जिस तरह से बात हुई प्रशासन से, तो प्रशासन का कहना है कि हो ये रहा है कि एक एक व्यक्ति को दो दो बार या तीन तीन बार खाने के पैकेट मिल जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अब प्रशासन ये करना चाह रहा है कि जो भी समाज सेवी संस्थान है या जो भी वॉलंटियर हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, एक संयुक्त लिस्ट बनेगी और उसके बाद प्रशासन द्वारा उन लोगों को जिनको खाने के पैकेट्स भेजे जा रहे थे उनको सूखा राशन भेजा जाएगा, जिसमें एक किलो दाल रहेगी, एक किलो तेल रहेगा, आटे का पैकेट 10 किलो का रहेगा, चावल रहेंगे, ताकि जो रिपीट ना हो कोई व्यक्ति। और जो शहर में जो घुमंतु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो मंदिरों के आसपास लोग रहते हैं, वो ना खाना पका सकते हैं ना ही वो पकाते हैं, उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं से पैकेट जो बनेंगे वो पहुंचाए जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक ऐसा कोई मामला निकल के सामने नहीं आया कि लोग खाने को लेकर परेशान हो या किसी तरह से कोई मजदूर हो या कोई शहर के आसपास जो रहते हैं भिक्षावृत्ति जो करते हैं उनको कोई परेशानी आ रही हो, ये कुछ देखने को नहीं मिल रहा। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी जरूर लोगों में बनी हुई है, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोग झुंडों में खड़े हों, गली मोहल्लों की अगर बात छोड़ दें छोटे बहुत, बाकी की जगह प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं प्रशासन द्वारा किसी भी तरह से। आप बने रहेगा, मुरैना से हमारे साथ में अमन सक्सेना भी जुड़ गए हैं और छिंदवाड़ा से ललित साहू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पहले अमन आपके पास मैं आऊंगी, मुरैना के क्या कुछ ताजा हालात देखे जा रहे हैं,
क्या जो प्रशासन के नियम है उनका पालन कर रही है, कितनी जागरूक देखी जा रही है मुरैना की जनता? बिल्कुल अमनदीप जी, मैं आपको बता दूं कल के घटना के बाद प्रशासन कहीं ना कहीं सतर्क हुआ है और एकदम सतर्कता दिखा रहा है। जो लोग जो अभी जो केस हुआ है जिनमें जो 12 लोग पॉजिटिव निकले हैं, उनके घर में एक केरमी का वो कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में जो भी लोग उपस्थित हुए थे उनके समाज के हों, उनके रिश्तेदार हों, उनके मिलने वाले हों, उनके आस पड़ोस के मोहल्लेवासी हों, सबको पुलिस के द्वारा लेकर आया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, क्योंकि उनके सीधे तौर पर वही लोग हैं जो संपर्क में आए, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोगों का उनके घर में ब्रह्मभोज टाइप में कार्यक्रम किया गया था जिसमें वो लोग उपस्थित हुए थे। तो प्रशासन कहीं ना कहीं अब सतर्कता के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में मुरैना दूसरे नंबर पर आ गया है इंदौर के बाद, एक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो अब प्रशासन कहीं ना कहीं एक सख्त रूप में आ गया अपने में। जी अमन, आप बने रहेगा हमारे साथ में, वैभव भी जुड़े हुए हैं। वैभव, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो जो हालात है वो काफी अच्छे हैं, बाकी राज्यों से बाकी शहरों से काफी अच्छे हालात वहां पर देखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया था, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो लॉकडाउन के अलावा भी क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति बनी कि छत्तीसगढ़ में जो भी बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो, तो इसके लिए सरकार ने विशेष जो है इंतजाम किए। सबसे पहले तो उन्होंने जो है शेल्टर होम तैयार किए, कुछ जो है ऐसे आश्रालय हैं जहाँ पे रोका जा सकता था तो उन जगहों को जो है ठीक किया गया, वहाँ पे बिस्तर जो है इंतजाम किए गए, उनके रुकने, उनके जो है खाने पीने से लेकर के तमाम इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और साथ ही जो है ऐसे मजदूर जो कि घर जाना चाहते हैं, बाहर के जो राज्यों के मजदूर जो कि छत्तीसगढ़ में फंसे हुए थे उनको घर जाना था तो उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई कि वो बाहर ना जा सके और उनको यहीं पे ही सारी सुविधाएं मुहैया हो। हाँ, कुछ ये जरूर है, कुछ एक मजदूर बॉर्डर पे जाके फंसे हुए थे तो उनको दूसरे राज्यों के जो है लोग हैं उनसे, अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात इसलिए भी नहीं बिगड़े क्योंकि जो छत्तीसगढ़ से जो जुड़ने वाली सीमाएं हैं वो राज्य जहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब है, खासतौर पे महाराष्ट्र में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा गया, आंध्र और तेलंगाना में जो है जिस तरह के मामले सामने आए, तो उन जगहों को पूरी तरह से सील किया गया कि वहां से कोई भी जो है प्रवेश ना कर पाए। और इसके लिए जो कदम उठाए गए उसमें सिर्फ जो है मुख्य मार्गों में ही पुलिस को तैनात नहीं किया गया बल्कि अंदरूनी इलाकों में जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, यहाँ तक कि जो नदियां जिन सीमाओं से जुड़ती है और नदी से लोग आना जाना करते हैं उन जगहों पे भी जो है भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि सारी व्यवस्थाओं को जो है सही रखा जा सके और लोगों की पहचान करके ही आने जाने दिया जाए, इससे जो है स्थिति बेहतर रहेगी। और यही वजह है अमन कि छत्तीसगढ़ में स्थिति कहीं से भी जो है खतरनाक वाली नहीं है। यहाँ पे जो लोग पॉजिटिव पाए गए वो सारे लोग ठीक होके जा रहे हैं जिसमें कि एक 68 साल का बुजुर्ग भी ठीक हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति किस हद तक बेहतर है। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो लोग जो कि बाहर से आए हैं जिसमें कि रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से आई जिसमें आप कह रहे थे तबलीगी जमात में जो लोग से जुड़े हुए लोग थे जो कि मरकज में ठहरे हुए लोग थे, उनकी जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी, वो 160 लोगों की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, तब पता चलेगा कि उसमें से कितने लोग निगेटिव हैं और क्या उनमें से कुछ पॉजिटिव मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल स्थिति ना भयावह वाली है, ना हाहाकार वाली है, ना खतरनाक स्थिति है, ना बहुत चिंताजनक वाली स्थिति है। व्यवस्थाएं सब कुछ बेहतर रहे, दुरुस्त रहे, इसके लिए कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं कर रहे हैं, वो फील्ड पे निकल रहे हैं। कल जैसे उन्होंने वृद्धाश्रम में जाके वहां के बुजुर्गों से बातचीत की, दिव्यांग बच्चों के पास वो जाकर मिले कि वहां पे व्यवस्था तो खराब नहीं है, वो सब्जी जो है बाजारों में जाके व्यवस्था को देख रहे हैं कि लोग जो है सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो सड़क पर निकल के खुद जब व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, यानी कि जब कोई मुखिया खुद निगरानी रखने लग जाए तो उस प्रदेश की स्थिति बेहतर ही होगी। छत्तीसगढ़ को लेकर के मैं यही कह सकता हूँ कि चिंता करने वाली स्थिति नहीं है। जी वैभव, आप बने रहिएगा। छिंदवाड़ा से ललित साहू भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ललित, 2 दिन पहले पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया छिंदवाड़ा में और आज उसकी मौत हो गई।
क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, कैसे हालात देखे जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक छिंदवाड़ा में कोई भी केस सामने नहीं आया था, फिर उसके बाद में पहला केस आना और उसकी मौत हो जाना कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर भी पैदा करता है। बिल्कुल अमन जी, सबसे बड़ी बात है कि जो पहला जब जिस दिन कोरोना का पॉजिटिव आया था उस दिन से लोगों के अंदर डर की बात तो आने लगी थी, लेकिन जब उसकी आज मृत्यु का समाचार जब लोगों ने सुना है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे और एक दूसरे से चर्चा में, उसके बाद से लोगों के अंदर जो भय पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित करने की प्रयास में एक तरफ लोगों को ले जाएगा, लेकिन इस बीच में जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि जो अफवाहें फैलती हैं इस बीच में, क्योंकि जो आज जिसकी मौत हुई है कल दोपहर के बाद से ही लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय था कि वो उसकी मौत हो गई है, तो ये सोशल मीडिया ने कहीं एक अच्छी चीज लाई है तो बुरी भी लाई है, जिसके ऊपर प्रशासन को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी और आम जनता को भी जो अफवाहें हैं उनकी तरफ से खुद को रोकना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि अफवाह कुछ होती ही कुछ होता ही नहीं, अफवाह चलती जो डर पैदा होता है वो डर को भी बचाए रखना आवश्यक होगा कि डर के बहाव में ना आके निकल जाए। ये बात ये हुई है कि जब से ये कोरोना की बात आई थी तो जिला अस्पताल के आसपास लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होते चली गई है, कलेक्टर ने भी सारी ओपीडीज बंद करा दी है और सभी को निर्देशित किया है कि अगर किसी के पास भी कोई जानकारी आ रही है तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें। अमन जी आपके पास दोबारा से लौटूंगी। जबलपुर से अरविंद भी हमारे साथ में जुड़ गए, अरविंद आपके पास में मैं बाद में आऊंगी। इंदौर से विकास हमारे साथ में जुड़ गए हैं, विकास जुड़े हुए हैं। विकास, आप शुरुआत से ही इसकी पूरी कवरेज कर रहे हैं और जो आंकड़े हैं इंदौर में वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपने पूरी कवरेज की, इसके पीछे क्या कुछ मेन कारण माना जा रहा है? क्योंकि आपने लोगों से जाके बात भी की है, हॉस्पिटल का जायजा भी लिया है, तो आप इसकी वजह क्या कुछ मानते हैं जो आंकड़े थम नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ ही रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि इंदौर के अंदर सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, उसके बाद जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही, तो कहीं ना कहीं जिस तरह देखने में आया है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे या तो उनके परिजन या उनके रिश्तेदार या उनके आस पड़ोसी में ही कोरोना पॉजिटिव आया है, कोई नया मरीज एक अलग से नहीं मिला है। अगर बात की जाए तो इंदौर में पहले 5 हुए, 10 हुए, फिर अब अगर बात करें 100 पार हो गए, 115 हो गए, तो इनमें जो है उन्हीं क्षेत्रों के अंदर से मरीज पाए जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में शुरुआत से जो मरीज पाए गए थे। वही अगर बात की जाए तो उनके रिश्तेदार है, उनके पड़ोसी है, तो यही कारण है कि जो प्रशासन है या इंदौर के जो कलेक्टर मनीष सिंह है वह लगातार कह रहे हैं कि इंदौर में आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शुरुआत के अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन का ढीला रवैया देखने को मिला। जिस तरह से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए इतना प्रशासन सख्त नहीं था, यही कारण है कि इंदौर के कलेक्टर को बदला भी गया, मनीष सिंह को यहाँ पर कलेक्टर किया गया। वही अगर बात की जाए तो डीआईजी नारायण चारी मिश्र को वापस से इंदौर लाया गया, उसके बाद से ही जैसे मनीष सिंह इंदौर कलेक्टर का चार्ज लेते हैं, उन्होंने लगातार सख्ती यहाँ पर की है। अगर पहले पिछली बार देखने में आया था कि किराना दुकान हो या सब्जी दुकान हो, ये चालू होने के कारण लगातार जो लोग हैं एक दूसरों के संपर्क में आ रहे थे, तो यही कारण है कि जो कलेक्टर मनीष सिंह ने आते हुए सख्ती दिखाई है, पूरा इंदौर को सबसे पहले तत्काल लॉकडाउन किया है, टोटल लॉकडाउन किया है, जिसके अंदर लोगों को घरों से बाहर भी नहीं निकलने दिया है, तो यही कारण है कि जो अन्य क्षेत्रों के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो नहीं मिल पा रहे हैं, और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जिन क्षेत्रों में रहे हैं जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो वह उन्हीं क्षेत्रों के अंदर लगातार स्कैनिंग कर रहा है, और यही उनकी कहना है, जो कलेक्टर मनीष सिंह उनका कहना यही है कि हम लगातार जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में मरीजों के जो आए थे उनको ढूंढने में कामयाब हो रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों में और कुछ बढ़ोतरी होने की बात इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि जो चेन है उस चेन को हम पकड़ रहे हैं, उस चेन के उपास तक हम पहुंच चुके हैं। जो पॉजिटिव मरीज थे, अगर बात की जाए जो दिल्ली में जमात के लोग थे, जमात के 25 से 30 लोग असम दिल्ली के इंदौर की एक दरगाह में थे, उसको भी 2 दिन पहले जो है जिला प्रशासन की टीम ने पकड़ा था और उन्हें आइसोलेशन वार्ड किया गया। अगर बात की जाए तो 2000 यह आंकड़ा बहुत कहने के लिए बड़ा है, क्योंकि 2000 लोगों को संदिग्ध मानकर प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आइसोलेशन वार्ड के अंदर भर्ती किया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार जो अपनी जिम्मेदारी है बखूबी निभा रहा है, यही कारण है कि वो उन लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो रहा है। जो लोग संदिग्ध मरीज या कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे वो प्रशासन का यही कहना है कि जो पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे उस चेन को तोड़ने की पहल की जा रही है। अगर बात की जाए 4-5 क्षेत्रों का नाम लेते हुए कलेक्टर ने कहा था कि 5-6 क्षेत्रों से ही हमें दिक्कत है, बाकी पूरे इंदौर में किसी तरह की जो कोरोना पॉजिटिव है अन्य क्षेत्रों में लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो यही कारण है कि वह उन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अगर बात करें तो ऐसे की 4 टुकड़ी भी यहाँ पर मंगवाई गई है उन क्षेत्रों के अंदर लगाने के लिए, और लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है कि वह अपने घरों के अंदर ही रहे, और अगर किसी को सर्दी बुखार खांसी है तो
डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोरोना के लक्षण है तो इसको लेकर उन्होंने जो डॉक्टरों के नंबर है वह भी सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से करें। तो लगातार इंदौर की जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, सारे अधिकारी मैदान संभाल रखा है, वो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे उन लोगों को खोजबीन लगातार की जा रही है, क्योंकि उन लोगों की खोजबीन के बाद ही यह चेन टूट पाएगी और कहीं ना कहीं इंदौर का आवरण थम पाएगा। जी जी वैभव, विकास और विनोद, आप तीनों ही नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया। और ललित और अरविंद भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नजर आप लोग बनाए रखिएगा, अपडेट आप सभी से लेते रहेंगे, और स्वराज का कोरोना पर महाकवरेज जारी है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।